ये छोटा मोबाइल ऐसे होता है। मोबाइल नहीं होना चाहिए वो, मैं अगली बार देखूंगी। अच्छा मैम लाइव हो चुका है। स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं डॉक्टर कौशल पंवार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जय भीम बोलती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं तो आज का विषय जो हमारा है वो है दलित साहित्य का स्त्रीवादी स्वर। हम आज प्रोफेसर विमल थोरात जी से दलित साहित्य के स्त्रीवादी स्वर पर बातचीत करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा का शुरुआत करें, हमारे सामने हम सब जानते हैं कल से सोशल मीडिया में तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पेपर मीडिया में तमाम तरह में हमें दिखाई दे रहा है। कल बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनका कल परिनिर्वाण हुआ। ऐसा शख्स जो हमेशा समाज के बीच में रहा, लेकिन जब अंतिम उनका समय आया उस वक्त कोरोना की वजह से हम सब उनको आदरांजलि देने भी पहुंच नहीं पाए। समय का एक बहाव कहिए या पड़ाव कहिए, हम अपनी मजबूरियों को देखते हुए हम उनको कल अंतिम विदाई भी नहीं दे पाए। इसलिए मेरे तमाम मित्रों से जो आज सोशल मीडिया पे हैं, जो हमें देख रहे हैं, हम सबसे पहले शांति स्वरूप बोध जी जिन्होंने बहुजन साहित्य में एक नया प्रतिमान स्थापित किया, कीर्तिमान स्थापित किया, हमारे जैसे मेरे जैसे सैकड़ों युवाओं के दिलों में आज शांति स्वरूप बोध जी की एक जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, कम से कम मेरे लिए जो था वो ये, हम सब अम्बेडकरवादी हैं, हम सीने फौलादी हैं। वो आवाज जो अब हमारे बीच में हवाओं में गूंजेगी, हम उनको सबसे पहले चर्चा की शुरुआत से पहले प्रोफेसर विमल थोरात जी भी और तमाम मेरे जो हम सबको देख रहे हैं सुन रहे हैं, हम उनको आदरांजलि प्रकट करते हैं। और उनको आज इस दौर में बस इतना ही कह सकते हैं उनके लिए कि हम कोशिश करेंगे जिस दलित साहित्य की आवाज उन्होंने बुलंद की, जिस बहुजन समाज को साहित्य के रूप में उन्होंने सदियों तक के लिए सुरक्षित कर दिया, और जो पूरा एक बुद्धिस्ट मूवमेंट उन्होंने प्रकाशन के माध्यम से चलाया, हम उसमें अगर थोड़ा सा भी योगदान दे पाए तो शायद हमारी ये आदरांजलि होगी। मैम हम चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले दो शब्द आप बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी के बारे में कहें। जी हाँ, कल ये जब समाचार सुना तो मैं स्तब्ध रह गई, क्योंकि बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं, और उनके बीमार होने पर हमारे पास तक कोई खबर नहीं थी। तो हम उनकी उनको देखने तो नहीं जा सकते, कम से कम उनके बारे में बातचीत तो कर सकते थे, लेकिन वो मौका भी हमें नहीं मिला। केवल उनके अपने परिनिर्वाण की ही खबर हमारे पास आई। बहुत दुख हुआ कि एक बहुत ही सशक्त बुद्धिस्ट और अम्बेडकराइट लेखक, चिंतक और बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने वाले एक बहुत बड़े शख्स को हमने खो दिया। तो आज बहुत हमें हमारी मूवमेंट की हमारी बहुत ये क्षति है, और सम्यक प्रकाशन की भी के लिए भी एक बहुत बड़ा धक्का है, और उनके लिए एक बहुत बहुत ही कठिन समय है। मैं उनके परिवार को के लिए बहुत बहुत धैर्य उनका बनाना चाहती हूँ, और उनके सभी परिवारजनों को इस समय बहुत ही ज्यादा धैर्य से और बहुत हिम्मत से इस समय उनको संबल देना चाहती हूँ, और उनकी उनके लिए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जी मैम देखिए, आप अगर आप कल से हम लोग जैसे देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जैसे जैसे तमाम भारत के लोगों को और विदेशों में बैठे हुए लोगों को जैसे जैसे उनके बारे में पता चलता जा रहा है, अगर देखा जाए ना वो एमएलए थे ना एमपी थे, ऐसा कुछ जो एक सो कॉल्ड जो एक फिनोमिना हमारे सामने बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके बारे में बताया जा रहा है और जिस तरीके से जिस शख्सियत को हम आज याद कर रहे हैं वो वाकई इन सब से ऊपर थे, और उन्होंने खासकर बुद्धिस्ट मूवमेंट के लिए तो बहुत बड़ा, इतने ज्ञानवान, इतने बुद्धिस्ट और नई नई शब्दों को भी घड़ते थे। आज जो आदरांजलि हम शब्द
प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने ही एक तरह से इजाद किया। तो आज हम उनको शख्स को उन शख्स को याद करते हैं, और साथ ही साथ आज का जो विषय है हमारा, जो दलित साहित्य का स्त्रीवादी स्वर। मित्रों, आज हमारे साथ प्रोफेसर विमल त्याग इस विषय पर बातचीत करने के लिए हैं। वैसे तो मैडम हमारी किसी भी चीज के लिए तरीके से प्रोफेसर विमल थोराट का योगदान है पूरे दलित साहित्य के लिए, न केवल दलित साहित्य के लिए बल्कि तमाम, खासकर स्त्रीवादी साहित्य के लिए भी। आप एक एक्टिविस्ट हैं, और एक आप एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक एकेडमिशियन और तमाम महिलाओं के लिए एक आदर्श की तरह हैं। अगर मैं आपका परिचय पढ़ूं तो वो शायद बहुत बड़ा है परिचय, उस परिचय से कई गुना ज्यादा आपका कद हमारे सामने है। लेकिन हमारे दर्शकों को, उन तमाम साथियों को मैं बताना चाहती हूँ कि आज जिन जिनसे हम बातचीत करेंगे वो है प्रोफेसर विमल थोराट। आप इग्नू में प्रोफेसर रही हैं, हिंदी डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटर रही हैं, डॉक्टर अंबेडकर चेयर सोशल चेंज की इग्नू में कोऑर्डिनेटर हिंदी फैकल्टी की रही हैं, आप एमए हिंदी प्रोग्राम की रही हैं, एकेडमिक का योगदान हजारों सैकड़ों आपके द्वारा वाचन किया गया, पत्र किया गया, पत्र पढ़ा गया, पुस्तकें हैं आपकी, कविताएं, कहानियां, तमाम ऐसा साहित्य को कोई विधा नहीं जिसमें आपने रचना ना की हो। और हमारे लिए एक जो एक एक बहुत महत्वपूर्ण आपके परिचय में जानकारी होनी चाहिए हमारे तमाम दर्शकों को, वो ये है कि सोशल फोरम में आप किस किस जगह पे आपने काम किया है, और जो आप इतनी अभी भी आप उतने ही एक्टिव हैं। नेशनल कन्वीनर रही हैं आप, नेशनल कंपेन फॉर दलित ह्यूमन राइट्स NCDHR की आप कन्वीनर रही हैं, आल मीडिया दलित महिला अधिकार मंच की आप चेयरपर्सन रही है, सेंटर फॉर दलित लिटरेचर एंड आर्ट की आप एडिटर रही हैं, दलित अस्मिता की आप प्रेजिडेंट है, दलित लेखिका लेखक संघ की, दलित लिटरेरी फोरम की आप बोर्ड मेंबर रही हैं, आप सफाई कर्मचारी आंदोलन की भी बोर्ड मेंबर रही हैं, आप बोर्ड मेंबर रही हैं ऑल इंडिया दलित वुमेन राइटर फोरम की, आप फाउंडर मेंबर रही हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित वुमेन की, आप फाउंडर मेंबर रही हैं दलित महिला संगठन की। ये परिचय केवल एक लिटरेरी परिचय है आपका, लेकिन इसके अलावा आपका जो परिचय है वो इससे कई गुना ज्यादा हमारे लिए मायने रखता है। वो इसलिए क्योंकि एक न केवल एक एकेडमिशियन के रूप में आपका एक कंट्रीब्यूशन है भारतीय साहित्य में, समाज में, बल्कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी आप उससे कई गुना ज्यादा साथ ही साथ रही हैं। प्रोफेसर विमल थोराट का जो मुझसे जो सबसे बड़ा जो एक नजदीकी संबंध है वो इसलिए भी रहा है कि जब आप जब हम जेएनयू में स्टूडेंट हुआ करते थे, प्रोफेसर चेयरपर्सन बने थे उस वक्त, उससे भी पहले बल्कि जब 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 आपके संगठन के माध्यम से जो प्रोग्राम होते थे, मैंने तो आपको जेएनयू में आने के बाद ही जाना था, और न केवल जाना था बल्कि आपके काम को भी पहचाना था। मैं तो तभी से आपके कायल हूँ। आपके जितने भी समकालीन रहे हैं, जिनसे भी जब जब मेरी बात होती रही है, भले ही हो सकता है कुछ चीजों में वैचारिक मतभेद हो, होने भी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ उन वैचारिक संबंधों के अलावा तमाम, अब मुझे भी थोड़ा बहुत मौका मिलता है बाहर भी जाने का, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे भी और इंडिया के जगह जगह कोनों पे भी, तमाम जगहों पर आपका नाम सबसे पहले मुझे सुनने के लिए मिला है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरा सीना चौड़ा इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि उस शख्स के बारे में जब कोई दूसरा आके हमारे सामने आके प्रशंसा करे, तब हमें और ज्यादा लगता है। कई बार ये होता है कि हम जब लगातार मिलते जुलते रहते हैं तो हमें कई बार ये लगता है कि हो सकता है क्योंकि हम उसी फ्रेमवर्क में देख रहे हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब बाहर जाता है, जब मैं नेपाल गई, मैं अमेरिका में एक बार हम लोग बैठे हुए थे, फ्रांस में मैंने एक बार फिर आपके कंट्रीब्यूशन का जिक्र किया, जब जब जिक्र आया तो आपका नाम सबसे पहले आया। तो मैडम, आप आपसे आज मेरे पास शब्द नहीं है, आपने कीमती समय में हम हमारे छोटे से चैनल के लिए, फेसबुक के लिए समय निकाला। साहित्य जो संस्कृत की भाषा में कहें, जो सबका हित करता है, उसे आगे अगर हम चले, जो समाज को साथ लेके चलता है, लेकिन ऐसा कुछ हमें कम से कम ऐसे साहित्य में, क्योंकि मैं एक संस्कृत की विद्यार्थी हूँ, हमारे यहाँ साहित्य की परिभाषा यही है,
लेकिन हमें ये देखने में मिला कि साहित्य में उनके सवाल नदारित हैं जो एक बड़ा वर्ग है, चाहे वह महिला हो चाहे बहुजन समाज हो। इसलिए हम इसको नकारते हैं कि हित सबका साथ में लेकर चले वो साहित्य है। अगर यही परिभाषा हम घड़े या हम उसको व्यवहारिकता में देखें तो इन प्रश्नों को लेके भी आना चाहिए था, जो दलित के सवाल थे, जो तमाम स्त्रियों के सवाल थे, लेकिन वो नदारद रहे, इसलिए हम इससे असहमति प्रकट करते हैं। दूसरा, कहा जाता है बार बार कि साहित्य तो समाज, मेरा सबसे अनुरोध है कि जितने मैडम को सुनने के लिए हमारे साथ आज मंच शेयर कर रहे हैं वो सारे के सारे अपने आप को अनम्यूट रखें, क्योंकि हम मैम को सुनना चाह रहे हैं। बार बार स्क्रीन पे मैडम का ना आके अब सबका आ रहा है, और कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है, लाइव हमारा है ये प्रोग्राम, तो प्लीज आप थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान में रखिए, या तो स्टेबल करिए अपने आप को अगर आपको पार्टिसिपेंट प्रॉपर करना है, या फिर अपने आप को वीडियो ऑफ करके रखिए, या थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जिसमें कम हो, क्योंकि प्रवाह टूट जाता है। मैं तो फिर भी अभी वैसे ही बता रही हूँ, जब मैम बोलेंगी तो प्लीज इस चीज का खास करके, मेरा सबसे अनुरोध है कि आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि जो समाज का साहित्य को जो समाज का आईना कहा जाता है, मैं दूसरी एक प्रस्तावना के रूप में ये भी रखना चाहती हूँ तमाम मित्रों के सामने कि अगर समाज का आईना है तो उस आईने में स्त्रियों के सवाल क्यों नहीं दिखाई दिए, उस आईने में दलित बहुजन का साहित्य भी आना चाहिए था जो नहीं आ पाया। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज के इस चर्चा के वो अच्छे से साझा करेंगे, मैं जस्ट एक अपनी बात इस बीच में कहना चाह रही थी कि अगर आईना था तो उसमें ये सवाल नदारद क्यों थे, अगर समाज का हित काम कर रहा था, साहित्य सबके हित को लेकर चल रहा था, तो इसमें ये सवाल क्यों नहीं आए। अब एक छोटी सी कविता मैडम अगर आप परमिशन दें तो मैं एक अपनी माध्यम से, और इस कविता की पृष्ठभूमि इसलिए आप तमाम साथियों के लिए जरूरी है कि आपने एक बार एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम किया था, ये कविता मैंने वहीं पर लिखी थी। मेरी कविता का शीर्षक है भंगी महिला। भंगी महिला सहती है मैला ढोने का दंश, भंगी महिला सहती है मैला ढोने का दंश, उठाती है मन से भरी टोकरी, घुटनों से होती हुई छाती के बल से सिर तक पहुंचाती है भंगी महिला। भंगी महिला के ऊपर गिरता है टप 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 मलमूत्र, कभी पल्लू से पोंछती, कभी पल्लू को खसकाती, कहीं ढल न जाए, कहीं अंट न जाए इज्जत सरे बाजार। भंगी महिला कुर्डी पर पहुंचकर थोड़ी देर रुकती है, ठहरती है उसकी नजर, सोचती है भंगी महिला, मैं मलमूत्र से भी गई गुजरी। अरे मलमूत्र तो धन्य है जो कम से कम सिर पर तो है। और भंगी महिला उठाती है मलमूत्र से भरा भोजा, चल पड़ती है तिलांजलि देने उस सभ्य कहे जाने वाले समाज को, धिक्कारती है हुंकारती है इस व्यवस्था पर, सदियों की यातना का हिसाब मांगती है भंगी महिला, धिक्कारती है हुंकारती है इस व्यवस्था पर, सदियों की यातना का हिसाब मांगती है भंगी महिला, फेंक देना चाहती है मलमूत्र से भरा भोजा, फेंक देना चाहती है मलमूत्र से भरा भोजा सभ्य समाज के ऊपर, अपने हिस्से का खुला आसमान छीन लेना चाहती है अपने हिस्से का खुला आसमान, अव्यवस्था के ठेकेदारों अब संभल जाओ, देखो वो आ रही हैं भंगी महिलाएं, हाथों में झाड़ू की जगह कलम उठाएं भंगी महिलाएं, कलम उठाएं भंगी महिलाएं। जी बहुत मार्मिक कविता है, और ये मैंने पहले भी सुनी है तुमसे, और मैंने इसे तुम्हें मांगी भी थी कि दलित अस्मिता में छापने के लिए। जी मैम, और मैम ये जो कविता है ये संस्कृत में, ये इंग्लिश में, और ट्रांसलेशन हो चुका है इसका कई भाषाओं में, गुजराती में। मैम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि साहित्य हमारे सामने था ही, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी का साहित्य हो, संस्कृत का हो, तमाम जो हमारे जो लिटरेरी फॉरम है, तो दलित साहित्य और उसके बाद दलितों में भी स्त्रीवादी
साहित्य की जरूरत क्यों? मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को गुड इवनिंग, सलाम, जय भीम, जोहार, जय सावित्री कहकर अपनी बात शुरू करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? तुम स्क्रीन से हट जा गई थी। तो जो तुमने जो प्रश्न किया है ये बहुत ही लाजमी है, और पिछले 100 साल के हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर उठाकर देखे तो साहित्य की किसी भी विधा में दलित या जो पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ी महिला है कहीं पर एक नायक या नायिका के रूप में कहीं पर भी नहीं नजर आती है। और ये लगातार 100 साल जब तक कि बाबा साहब के मूवमेंट तक, बाबा साहब की जो सांस्कृतिक और सामाजिक मूवमेंट शुरू नहीं हुई, जब 14 तालाब का सत्याग्रह हुआ, नासिक का राम मंदिर, नासिक के राम काला राम मंदिर का सत्याग्रह हुआ, उसके बाद मनुस्मृति को जलाया गया महाड़ में ही, और तमाम जो जो सत्याग्रह और जो आंदोलन चला उससे निर्मित जो चेतना है, उससे जो चेतना जगी, तब महिलाओं में और सभी दलित समुदाय में ये पहली बार अपनी आइडेंटिटी को लेकर सवाल उठा कि हम हैं कौन। और ये आइडेंटिटी का, उनकी जो अस्तित्व और अस्मिता का जो सवाल है उसको अभिव्यक्त करने के लिए, क्योंकि बाबा साहब के विचारों से ये समाज प्रेरित हो चुका था, चेतना का ऐसा फैला हो गया था कि जो कहा जाता है कि जब प्रपात प्रपात अपना रास्ता अपनाता है या ढूंढता है तो उसके चारों तरफ, उसके दोनों तरफ के जो किनारे हैं, उस किनारों पर खड़े बड़े बड़े वृक्ष उसमें ढह जाते हैं। तो यहाँ बड़े बड़े वृक्ष के ढह जाने की जो बात है वो जो परंपरागत जो समाज है, जो 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 जातिवादी और ब्राह्मणवादी समाज है, उसने जो हमारे रास्ते में जो जो कठिनाइयां या जो व्यवधान डाले हुए थे उसे हटाते हुए वो प्रपात इतने तेज बहाव के साथ फूट पड़ा कि उस जलजले को रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। और इसी में से जो चेतना जब जागृत हुई तो दलित स्त्री भी उसमें शामिल हुई। दलित स्त्रियां बड़ी बहुत, तुम्हें मालूम होगा कि जैसे महाड़ और कालाराम मंदिर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में दलित महिलाएं शामिल हुई, बाबा साहब के हर एक प्रोग्राम में वो शामिल होती रही, जबकि वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित, उत्पीड़ित और सताए गए समाज की महिलाएं थी। लेकिन जब उन्हें लगा कि हमें हमारी जो अस्मिता और अस्तित्व की जो बात कर रहे हैं उससे वो चेतना का विस्तार वहां तक पहुंचा, और मुझे लगता है कि यही इसी चेतना का स्फुट हम दलित महिलाओं के लेखन में देखते हैं। और अगर हम दलित साहित्य के इतिहास को भी देखें तो शुरू के दौर में, जब 65 और 70 के दौर में जब लेखक बहुत, जो दलित पैंथर के जितने भी नेता थे वो लिखते भी थे और अच्छे खासे कवि और लेखक थे, नामदेव ढसाल, दया पवार और राजा ढाले जैसे, और जवी पवार, अर्जुन डांगले जैसे बहुत ही सक्षम जो नेता भी थे और लेखक भी थे, जिन्होंने दलित साहित्य की रचनात्मकता को इस तरह का आयाम दिया कि पूरा साहित्य जगत, खास करके मराठी, उस समय तक ये मराठी में ही, महाराष्ट्र तक ही सीमित था, तो भौचक रह गया कि ये किस तरह का नया साहित्य यहाँ
उत्स्फूर्त रूप से सामने आ रहा है, जिसमें केवल उन्हीं की छवि है और बाकी का जो समाज है, जो कि जिसने उसे पहले नकारा था या हाशिए पर रख दिया था, आज वो खुद लिखने लगा है और उसकी अपनी सदियों पुरानी जो उसके साथ जो व्यवहार किया गया, यहाँ की ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जाति व्यवस्था के कारण छुआछूत की वजह से उसे जो हिकारत और तिरस्कार झेलना पड़ा, इसे केवल सामाजिक रूप से ही नहीं तो आर्थिक रूप से भी उसका बहुत शोषण हुआ, और इस शोषण परंपरा का नकार और विद्रोह और विरोध इनकी रचनाओं में हमें दिखाई देता। ये दलित साहित्य का आगाज था, जिसको मैम पानी पी लीजिए, पानी टक नहीं, एक थंबेल थोड़ थंबेल आराम से। तो हम देखते हैं कि इस पूरे माहौल में जो दलित पैंथर की जो एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट चला, और उसके साथ साहित्य की मूवमेंट भी उसी समय शुरू हुई, तो इसने जो परंपरागत जो वर्चस्ववादी साहित्य था जो, तो उसे नकार दिया, उसके सौंदर्य बोध को नकार दिया और अपना नया सौंदर्य शास्त्र भी गढ़ा। आप देखेंगे कि नामदेव ढसाल की कविता का अनुवाद करना मराठी से किसी और भाषा में या हिंदी में बहुत ही कठिन काम हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे प्रतीक और ऐसे बिंब ढूंढते हैं, उन्होंने ढूंढे हैं और वो कविता का, उनके कविता का और लेखन का हिस्सा बने हैं, कि वो पहले कहीं कभी भी भारतीय साहित्य में किसी भी साहित्य में नदारद थे। तो ये जो एक नया साहित्य का ये जो रूप था, उसमें महिलाओं का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण था। तो सिर्फ मराठी की बात करें, क्योंकि मैं कुछ समय तक तो मराठी साहित्य पर ही बात करनी पड़ेगी, फिर हमें हिंदी के साहित्य को भी लाना पड़ेगा। तो उस समय जो महत्वपूर्ण जो लेखिकाएं थी, ये पहली पीढ़ी की लेखिकाएं हैं जो कि बाबा साहब की मूवमेंट से प्रेरित होकर उनके माता पिता ने उनको पढ़ने का मौका दिया, उन्हें पढ़ाया, अपना पेट काट कर उन्हें पढ़ाया, और ये वो पहली पीढ़ी थी जिसने जो पढ़ लिख कर और बाबा साहब की चेतना से जागरूक होकर कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। और उन्होंने देखा कि ये जो स्वतंत्रता के 25 साल के बाद भी हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों की और अन्याय की और शोषण की परंपरा खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि एक खास नजरिए से फिर से उनके ऊपर ज्यादा दबाव आने लगा। आर्थिक दबाव से भी वो दबे हुए थे, क्योंकि तो उनके पास अपना कोई जरिया नहीं है। जब आपने बात कही कि भंगी महिला की रोजी रोटी का कैसे कमाना पड़ता है, कितनी गलीज अवस्था में उससे ये सब कुछ करना पड़ता है, कितनी गलीज है ये, कितनी अमान्य और कितनी शोषणकारी व्यवस्था है कि वो एक इंसान को दूसरे इंसान का मैला ढोने के लिए मजबूर करती। तो इस पर सभी की नजर पहली बार पड़ी कि इस समस्या को तो हमने कभी उजागर ही नहीं किया। तो ये सबसे पहले साहित्य के भीतर ये जो उनकी अभिव्यक्तियां जो आने लगी, उसमें ये सारी समस्याएं पहली बार आने लगी। तो इसमें हीराताई पवार है और तमाम जो महिलाएं लिख रही थी उस समय, उसमें मैं दो तीन नाम ही ले पाऊंगी, इस समय भूल रही हूँ नाम, जिन्होंने शुरुआत की थी। उसमें बेबी तई कामले, शांताबाई कामले, उर्मिला पवार, इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने दलित समुदाय में, दलित
अपनी समुदाय में जो शोषण की जो शोषण से जो पीड़ित वर्ग है उसमें सबसे अधिक जो पीड़ित है वो दलित महिला की समस्याओं को उजागर करने की कोशिश, क्योंकि दलित महिला के साथ जो जो पुरुष व्यवस्था है, जो पुरुषवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवाद का ही किया किया कराया एक बहुत बड़ा एक एक व्यवस्था है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी उतना ही था। चाहे अंबेडकर की बाबा साहब की विचारधारा अपनाने के बाद भी, और स्वतंत्रता और समता की बात करने वाले, न्याय की बात करने वालों ने भी दलित महिला की समस्याओं पर उतना ध्यान नहीं दिया, उस पर केंद्रित नहीं हुआ। लेकिन जब महिलाएं लिखने लगी तो उनके अपने परिवेश, उनकी अपनी भाषा में, उनके अपने प्रतिमान और अपने जो प्रतीक है, जो उनके आसपास है, उनके जीवन से जुड़े हुए जो सब जो है, या उनकी जो समस्या है, जो घरेलू समस्या है, जो बाहरी समस्या है, अगर उस पर उनकी नजर नहीं गई तो उस लेखन का कोई मायने नहीं होता है। क्योंकि आप कोई आकाश के तारे गिनने नहीं जा रहे हैं, या पेड़ पौधों की या फूलों की कविताएं या लेखन नहीं करने जा रहे, क्योंकि वो काल्पनिकता नहीं, इस वास्तविकता को वो क्योंकि उनके अंदर जो जागरूकता पैदा हुई थी उससे उन्हें अपने इतिहास बोध को भी जागृत हुआ था कि हमारे इतिहास को भी हमें पीढ़ी अपने अगली पीढ़ी को बताना होगा, ताकि हमारे साथ जो हजारों वर्षों से लगभग 2500 वर्ष पुरानी ये जाति व्यवस्था है, अगर हम बुद्ध समय से ही इसको देखें तो ये 2500 वर्ष से पुरानी व्यवस्था है, जिसके शोषण का जो जो परंपरा है वो निरंतर विकसित होती गई। और उस विकसित होने में स्त्री की स्थिति और भी शोचनीय होती गई। तो इस उस स्थिति को जिन लोगों ने, जिन महिला लेखिकाओं ने, जिन लेखिकाओं ने, दलित लेखिकाओं ने उजागर किया है, अभिव्यक्ति दी है, उसमें सबसे पहला नाम मैं बेबीताई कामले का लूंगी, शांताबाई कामले है, कुमुद पावड़े जी है, मुक्ता सर्व गौड़ है, और उषा आत्राम है। ये तमाम महिलाओं ने अपने लेखन के द्वारा, अपने आत्मकथनों के द्वारा, आज मैं अपनी बात सिर्फ आत्मकथनों तक ही सीमित रखूंगी कौशल, क्योंकि यही इतना बड़ा इसका बहुत बड़ा फलक है। इसी फलक को अगर हम एक दिन और आपसे चर्चा करेंगे, हाँ, और कविता और कहानी दलित कविता में, जो दलित कविता, स्त्रीवादी कविता और स्त्रीवादी लेखन का जो कहानी का हिस्सा है, वो कभी अगली बार में करेंगे, क्योंकि हम सबके सामने समय निकाल कर, क्योंकि ये रिसर्च का विषय है, जरूर जरूर, तमाम विद्यार्थी जो सुन रहे हैं उनके लिए भी एक रिसर्च का विषय, क्योंकि हिंदी और मराठी या तेलुगु या तमिल या गुजराती, तमाम भाषाओं में इस समय अगर हम देखें तो 17 भाषाओं में दलित साहित्य लिखा जा रहा है, 17 भाषाओं में, जिसका संकलन भी समय समय पर किया गया है, उनकी कविताओं का, कहानियों का और आत्मकथनों का। हिंदी और मराठी में जितने आत्मकथन हमें मिलते हैं लेखिकाओं के, उतने आत्मकथन अन्य भाषाओं में अभी नहीं उपलब्ध नहीं है। तो मराठी में ये सबसे अधिक इसलिए हमें हमारे सामने है ये रचनाएं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन चला है, लंबे समय तक चला है, बाबा साहब के पहले महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का सत्यशोधक समाज द्वारा जो कार्यक्रम लिए जाते थे, या महिला लड़कियों को और शूद्रों को पढ़ाने का जो उन्होंने जो पाठशालाएं खोली और ज्ञान के दरवाजे उनके लिए खोले, तो उस एक बड़ी लंबी परंपरा महाराष्ट्र में दिखाई देती है सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन की। तो इसी आंदोलन का दूसरा पड़ाव बाबा साहब के आते ही शुरू होता है,
और वो तो उसकी बात मैं कह चुकी हूँ कि वो एक जलजला था, और इस जलजले में कोई भी भीगे बिना नहीं रहा। तो जिसमें प्रतिभा थी, थोड़ी बहुत प्रतिभा थी, तो वो लिखने के लिए प्रेरित हुआ और लिखने लगे। तो बेबीताई कावले की जो आत्मकथा है जीवन हमारा, जो मराठी में जीवन आमुचे के नाम से है, लेकिन हिंदी में उसका अनुवाद भी मिलता है, साहित्य अकादमी ने किया है। और लगभग सभी जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज है, वहां पर जो हिंदी के छात्र हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें इसकी जानकारी जरूर है। और आजकल लाइब्रेरीज में भी ये मिलने की संभावनाएं है। और तो ये मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि साहित्य में, दलित साहित्य में स्त्रीवादी स्वर की क्या क्या महत्ता है, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता थी। क्योंकि हम देखते हैं कि दया पवार या अन्य लोगों ने, जितने भी लोगों ने, जितने भी आत्मकथन आए हैं, उसमें स्त्री को एक अलग नजरिए से देखा गया है। स्त्री के अंतरंग को, या स्त्री के जो आंतरिक प्रश्न है, या उसके जो उसे जो तेहरे शोषण को झेलना पड़ता है, क्योंकि तेहरा शोषण दलित स्त्री के स्त्री झेलती है, क्योंकि एक तो वो दलित है, दलित होने के कारण उस पर एक दबाव है, एक उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है स्त्री होने के कारण, और वो गरीब भी है, मजदूर है। ज्यादातर दलित महिलाएं मजदूरी करती है, दलित और आदिवासी महिलाएं। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ कौशल जी, जी बिल्कुल मैम, बहुत एकदम क्लियर आवाज आ रही है। अच्छा जी। तो आप बेबीताई कावले की जीवन हमारा अगर पढ़ेंगे तो उसमें दलित स्त्री के जीवन में कितनी तरह की कठिनाइयां आती है, या वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से उसके गाल पर थप्पड़ पड़ता है। मतलब बाहर की जो बाहरी, मतलब जो सवर्ण समाज की तरफ से भी उसको प्रताड़ना मिलती है, उसका उत्पीड़न होता है, उसके ऊपर बलात्कार भी होते हैं, और उसका शोषण होता है, यौनिक शोषण भी होता है। और ये सब जैसे एक परिपाटी चली आ रही है, और इसके प्रति किसी को कोई मलाल नहीं लगता है। लगता है कि ओ, ये तो होते आ रहा है, इसमें क्या। आज भी अगर नारी मुक्ति आंदोलन की कुछ बड़ी नेताओं से भी अगर आप बात करें, जो जिनके जिनका की डंका देश और विदेशों में बजता है, तो उन्हें भी जब दलित महिला पर अत्याचार होता है, या बलात्कार होता है, या उस बच्ची पर बलात्कार होता है, उसे उसकी हत्या होती है, तो उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आती, सुनाई नहीं देती, एक मोमबत्ती तक नहीं जलती। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल हमने बार बार उनके सामने रखे हैं, और इन सवालों को लेकर हम कई बार झड़पें भी हुई है। तो लेखन के माध्यम से बेबीताई कावले अपने आत्मकथन में ये बहुत सारी समस्याएं उजागर करती है। एक तो गरीबी और भूख, ये जो दो चीजें हैं, गरीबी और भूख, ये दलित परिवार के साथ, दलित लोग, दलित समुदाय के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उनकी आमदनी का कोई ऐसा जरिया नहीं है। कम से कम उस समय तो नहीं था, जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ज्ञान के दरवाजे उनके लिए बंद थे। इसमें हम स्वतंत्रता के बाद की भी बात करें तो उनके पास, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो मजदूरों, महिला मजदूरों का जो 65% जो है वो केवल दलित और आदिवासी महिलाएं। अब दलित और आदिवासी महिलाएं जनसंख्या का 65% तो नहीं है, लेकिन मजदूर महिलाओं की संख्या में उनका प्रतिशत 65% है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा मजदूरों की संख्या जो है वो दलित और दलित और आदिवासी और पिछड़ी महिलाओं की है। पिछड़ी महिलाओं की कम है, लेकिन और कुछ खानाबदोश महिला है। तो इनकी जो
समस्याएं हैं, इनका जो इनके साथ जो उनके परिवार में और बाहर के लोग जो है, बाहर का समाज जो है, जो सवर्ण समाज है, जो ब्राह्मणवादी समाज है, जो ब्राह्मणवाद से, ब्राह्मणवाद की संकुचित विचारधारा से पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से उसके ऊपर कब्जा है, वो किस तरह से देखता है। एक प्रसंग में बेबीताई लिखती है कि एक बच्ची, जब तब तो उस समय जब जब बेबीताई छोटी रही होगी, उस समय की बात वो बता रही है कि जब बच्चियों की, लड़कियों की 12-13 साल में शादी हो जाती थी, मतलब प्यूबर्टी पीरियड से पहले ही शादी हो जाती थी, और बाल विवाह की प्रथा आज भी कायम है, उस समय तो और भी ज्यादा थी। तो एक बच्ची, वो अपने गांव की ही बात बता रही है कि एक बच्ची की शादी हुई और बड़ी उम्र के आदमी के साथ, दलित दलित घर की, दलित की बात कर रहे हैं। वो बच्ची जैसे ही, छोटी सी ही बच्ची, लेकिन सारे घर का काम वो करती थी, खाना बनाना, पानी पानी लाना, जलावन लाना, जलावन की लकड़ी लाना, और तमाम घर की जितना भी काम है वो, और उसके बाद बाद वो नदी या कहीं पर पानी का स्रोत होगा, वहां कपड़े धोने भी जा। लेकिन तब तक उसको खाना नहीं मिलता था, खाना नहीं दिया जाता था, सास या ननद या जो भी घर में है और पति ध्यान नहीं देता, तो वो कभी कभी अपनी साड़ी में एक रोटी बांध कर ले जाती थी, और फिर जब कपड़े धोने से पहले वो पहले बंधी हुई रोटी लाकर वो पहले वो खा लेती थी, और उसके बाद काम करती। ये बात किसी, ये कुछ किसी महिला ने देखी और उसकी सास के पास ही जाके बता दी कि तुम्हारी बहू रोज एक रोटी लेकर आती है और यहाँ बैठकर खाती है। तो उस 12-13 साल की बच्ची को सजा के तौर पर क्या किया गया कि 5 किलो वजन का एक खोड़ा बनाया गया, खोड़ा मतलब एक रिंग बनाया गया, और उसके अंदर उसका पैर, एक पैर लगा रख के उसको दोनों तरफ से कील से उसे ठोक दिया, मतलब पैर को नहीं लेकिन उस खोड़े को, ताकि उसका पैर नहीं निकले, उसको उसको मराठी में खोड़ा ही बोलते हैं, आप पता नहीं हिंदी में क्या उसका अनुवाद हो सकता है। और वैसी स्थिति में उसे काम करना है, उसे घसीटते हुए, आप समझ लीजिए कि 5 किलो खोड़ा, जो भी लकड़ी का एक बोझा उसके पैर में अटका हुआ है, वो कैसे चल पाएगी, कैसे चल पाएगी और कैसे काम कर पाएगी। तो ये जो दलित समुदाय में भी, हमारे अंदर भी, हमारे समुदाय के भीतर भी स्त्री के प्रति देखने का जो रवैया है, उसके प्रति एक तिरस्कार का भाव है या उसके प्रति कोई संवेदना नहीं है, तो ये वो लिख रही है, और उसके उस पर वो ये टिप्पणी भी करती है कि हमारे हमारी महिलाएं, हमारी लड़कियां दोनों तरफ से प्रताड़ित होती रही है। जब वो काम पर जा रही है, खेत में काम कर रही है, बाग बगीचे में काम कर रही है मजदूर बनकर, या किसी भट्टे पर काम कर रही है, तो वहां उसकी तरफ देखने का रवैया जो सवर्ण समुदाय का है वो बहुत ही घिनौना होता है। तो ये इस तरह की समस्याओं को पहली बार उजागर किया है लेखिकाओं ने अपने आत्मकथनों में। एक ऐसा ही एक प्रसंग और बताती है बेबीताई, लिखती है कि एक नवप्रसूता प्रसूत होने के बाद उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके घर में कुछ नहीं था, और उसके पति और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को घर में रखकर वो नव प्रसूता एक खेत में चली गई जहां पर भुट्टे का खेत था, भुट्टे का, तो एक भुट्टा निकालकर वो चोरी छुपे कच्चा भुट्टा खाने लगी, क्योंकि उसे बस खाने को कुछ नहीं। तो इस गरीबी को, इस गरीबी की दशा को देखने की एक एक खास तरह का जो एक एक नजरिया होता है, वो शायद
मुझे लगता है वो बहुत ही बहुत ज्वाइन भले है करना तक बहुत ही सही तरीके से बीच में आप कुछ कोई बोल रहे हैं नहीं मैम वो बीच बीच में असल में ज्वाइन कर रहे हैं ना लोग तो अच्छा अच्छा स्क्रीन हटके किसी और की आ रही है हाँ किसी और की आ रही है तो उससे थोड़ा डिस्टरबेंस होती थोड़ा है डिस्टर्ब थोड़ा डिस्टर्ब महसूस कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम्हारे अब मैं कहीं और कनेक्ट तो नहीं हो गई नहीं नहीं ठीक तो जो खेत का जो उस जिस खेत में वो खेत से वो मक्के का मक्का चुराई है उसने उस खेत का मालिक उसे देख लेता है और वो कहता है कि बेटा तुम अभी तो तुम्हें बच्चा हुआ है ये कच्चे दाने खाकर तुम्हारा पेट फूल जाएगा तुम क्यों खा रही हो। तो उसने कहा बाबा मेरे पास खाने के लिए और कुछ नहीं है और मैं यही खाकर जिंदा रह सकती हूँ और अपने बच्चे को जिंदा रख सकती हूँ। तो ये जो बारीक बारीक जो समस्याएं हैं जो भूख की समस्याएं हैं जो जो बेचारगी की समस्याएं हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से बेबीताई कामले सामने लाती है और ये इतने मार्मिक है ये प्रसंग कि शायद हम देखकर भी इसे नजरअंदाज कर दे शायद गांव के लोगों को ये ज्यादा अधिक मालूम है होगा कि गांव में जब प्रसूता नव प्रसूता जिसका बच्चा होता है तो उसके चारों तरफ महिलाएं होती है उसको ध्यान देने के लिए कम से कम और कोई नहीं तो उसके पड़ोसी ही उसको आकर देखेगी लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं दिखाई देता है और ये एक बात कारुणिक प्रसंग उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने रखा है और दलित समुदाय की जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर प्रकाश डाला है। यहाँ हम स्त्री और पुरुष समानता की बात तो जरूर करते हैं क्योंकि हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है और जाति व्यवस्था का विरोध भी विरोध अस्पृश्यता नष्ट होने के भी बात है लेकिन अभी गांवों में और शहरों में भी हमारा जो समाज है दलित समाज अभी भी दक्षिण टोले में ही क्यों रहता है। आप हरियाणा में जाइए आप तो हरियाणा की ही है कौशल हम जहां भी जाते हैं जिस भी गांव में जाते हैं नगर में या छोटे शहर में जाते हैं तो हमारे बस्तियां जो है वो दक्षिण टोला ही कहलाती है जी, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो चाहे पंजाब हो या चाहे और कोई राज्य हो दक्षिण टोला और जहां पर पानी की बहुत समस्या होती है। मतलब हमने ये देखा है आपने जिक्र किया कि मैं एक्टिविज्म में भी बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ और सामाजिक कार्यों में मैं बहुत मैं अगुवाई करती रहती हूँ और ये समस्या लेकर क्योंकि नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स के एक बहुत बड़े कार्य में मैं पिछले 25 साल से जुड़ी हुई हूँ तो हमने देखा कि जब गवर्नमेंट की तरफ से पाइपलाइन आती है जो पानी का पानी के लिए पानी के नल लगते हैं तो वो सारी सामग्री जैसे ही दलित बस्ती आती है खत्म हो जाती है और जो जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है या जो भी जो जिसको भी ये काम दिया गया होता है सरकारी मुलाजिम कहता है कि सामग्री खत्म हो गई तो वहां पर दलित बस्ती में नल नहीं लगता। अब पानी की समस्या का जो समाधान है वो दलित बस्तियों के लोग कैसे करेंगे। रास्ता अगर बनता है तो जो भी सामग्री है वो वहां तक आके खत्म हो जाती है और रास्ता आधा अधूरा ही बना दिखाई देता है और किसी भी दलित बस्ती में जाइए आप आपको कच्ची सड़क ही मिलेगी नालियां बहती नजर आएगी। अपने जूठन में जूठन पढ़ी होगी सभी ने जूठन की शुरुआत ही जिस तरह से हुई है की है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बिल्कुल सभी जगह ये चित्र है जी। ये आज भी दिखाई देता है इलेक्ट्रिक पोल जहां लगते हैं आज कुछ समय पहले ही मैं चंद्रपुर के भंडारा के एक गांव में गई थी और देखा कि उस गांव में लाइट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है नागपुर से मैं 100 किलोमीटर दूर होगा और सिर्फ खंभे लगे हैं इलेक्ट्रिक के पोल लगे हैं और हमने पूछा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ नहीं है आप लोगों ने कुछ इसके लिए अर्जी नहीं दी
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक पोल तो लगे हुए 10 साल हुए मैम, लेकिन आज तक तार नहीं खींची गई। तो ये स्थिति आज भी दलित दलित समुदाय के साथ इस तरह का भेदभाव, इस तरह का बर्ताव गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है। और गवर्नमेंट के नुमाइंदा कौन है? वही सवर्ण लोग जो कि ब्राह्मणवाद से और जातिवाद से बहुत उनके अंदर ये भावना कूट कूट कर भरी हुई है और दलितों को घृणित भाव से, तिरस्कार के भाव से देखते हैं। तो ये तब ये समस्याएं आती ही है ही। कौशल्या बैसंत्री की जो आत्मकथा है उसमें आप देखेंगे, कौशल्या बैसंत्री नागपुर की ही है लेकिन उन्होंने हिंदी, दिल्ली में रहते हुए उन्होंने बहुत समय तक दिल्ली में रहने के कारण उन्होंने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी है, दोहरा अभिशाप। आप लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत से छात्रों ने पढ़ी होगी। मैंने भी पढ़ी। हाँ, तो क्योंकि वो पहली आत्मकथा है, आत्मकथन है हिंदी में लिखा हुआ, स्त्री आत्मकथन। तो उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ ये बात लिखी है कि उनके समता और स्वतंत्रता का जो भी उन्हें अधिकार मिला उसे उनके पति ने पूरी तरह से नकार दिया। देवेंद्र उनका नाम था, देवेंद्र बैसंतरी, बड़ी पोजीशन में वो मिनिस्ट्री में काम कर रहे थे। और कौशल्या बैसंतरी स्वयं ग्रेजुएट रही है, बहुत पढ़ी लिखी और बहुत ही ज्यादा एक्टिविज्म में बहुत अगुवाई करती रही है, बहुत लिखती रही है, बहुत अच्छा लेखन लिखती। उनके साथ ही मैंने अपनी शुरुआत की थी थोड़ा काम करने की दिल्ली में, उन्हीं के साथ रहते हुए, उन्हीं के मार्गदर्शन में। तो उनके आत्मकथन में जिक्र आता है कि उनके पति के साथ उनकी नहीं बनी। वो लिखती है, देवेंद्र के साथ मेरी बनी नहीं, और देवेंद्र हमेशा मुझे एक अनचाही स्त्री के रूप में देखते थे या बहुत आदर नहीं करते थे और बहुत बुरी तरह से मारते थे। बहुत लिखा है उन्होंने कि बहुत क्रूरता से वो मारते थे, बहुत क्रूर था क्रूरता थी उनके मारने में। लेकिन मुझे, मैं बहुत वर्षों से उन्हें जानती हूँ इसलिए मुझे ये आश्चर्य लगता रहा, तब तक मुझे ये बात मालूम नहीं थी। जब भी हम उनके घर जाती, मैं और भी महिलाएं जो कि हम लोग काम कर रहे थे किसी आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में दलित महिलाओं के या दलित बच्चों के साथ, तो हम उनके घर पर जाते थे तो कभी लगा नहीं माहौल देखकर कि उनके साथ इतनी जातियां हो रही है। तो उन्होंने लिखा है कि देवेंद्र उन्हें, देवेंद्र बैसंतरी उनके पति उन्हें बहुत मारते थे और उनका सम्मान नहीं करते थे, लेकिन बच्चे छोटे होने की वजह से या आर्थिक निर्भर, पूरी तरह से निर्भरता निर्भर रही है पति पर, तो इसलिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही शक्तिशाली इन द सेंस कि बहुत अस्तित्व के प्रति अस्मिता के अस्मितावादी एक महिला इतने समय तक, 33 वर्षों तक कैसे ये पीड़ा सहती रही, कैसे ये अन्याय सहती रही है, ये मैं मुझ में बा, मैंने बा, बाद में उनसे ये पूछा तो उन्होंने यही कहा कि बच्चे छोटे थे और मैं कमा नहीं रही थी। मैं अगर नौकरी करती रहती और मुझे नौकरी मुझे मिल सकती थी, लेकिन मेरे पति ने कभी मुझे इसके लिए हाँ नहीं कहा, तो इसलिए मेरी मजबूरी थी कि बच्चों के बड़े होने तक मैं ये सहती रहूं। और 33 साल के बाद, शादी के 33 साल के बाद जब बच्चे बड़े हुए और जब वो बच्चे समझने लगे, तब उन्होंने उनसे, पति से विच्छेद ले लिया, डिवोर्स ले लिया, और मेंटेनेंस के लिए उन्हें 10 साल तक लड़ना पड़ा। 10 साल तक वो कोर्ट के चक्कर काटती रही और फिर उन्होंने वो अलग रही, अपने बेटी के पास रही, सुजाता नाम है उनका, सुजाता सिंह। तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि जब मैं ये लिखूंगी, जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगी और ये सब जो मेरे साथ जो हुआ है, जो अन्याय और अत्याचार और जो, तो उसके बारे में जब मेरे पति को, मेरे भाई को और मेरे बेटों को पता चलेगा,
तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, मुझे तो ये कहना ही है, मुझे तो ये लिखना ही है, क्योंकि मेरी जैसी और भी कई और महिलाएं होगी जो कि उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार हो रहा है, तो उनको भी संबल मिले या उन्हें हौसला मिले कि हाँ हम विच्छेद लेकर अपना जीवन सुख, अपने सुख से जीवन जी सकते हैं। तो एक एक बहुत मार्मिक उसमें मार्मिकता है कि उनकी एक लेखन में कि 33 वर्ष तक कोई महिला किस तरह से अपने उत्पीड़न को सहती रही और अपने मन को मारती रही, अपनी इच्छाओं को दबाती रही और सिर्फ पति की एक गुलाम बनकर वो जीती रही। तो ये एक ऐसा ऐसा एक 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 परिवार के भीतर स्त्री का जो दोयम उसको माना जाता है या उसकी जो प्रताड़ना होती है उसके प्रति हमारा समाज मतलब पूरा भारतीय समाज की मैं बात कर रही हूँ, अभी भी सचेतन नहीं है। समता की बात जरूर बाहर करके आएंगे, भाषण देकर आएंगे, लेकिन मैं कविता की मुझे कुछ लाइनें याद आ रही है संध्या रंगारी की, वो लिखती है कि पति पति भाषण देकर स्त्री स्त्रीवाद पर भाषण देकर जैसे ही लौटते हैं अपना मुखौटा उतार कर रख देते हैं और अपने पूर्व रूप में सामने आ जाते हैं। तो ये बहुत ही गहराई से उन्होंने और बहुत गंभीरता से उन्होंने लिखा है कि यही यही इसी तरह का व्यवहार स्त्रियों के साथ होता है, महिलाओं के साथ होता है, और उसके लिए जो धैर्य चाहिए, जो लिखने का जो एक साहस चाहिए, वो हमारी महिलाओं में नहीं है अभी तक। बहुत ऐसे और भी दूसरे जो है शांताबाई कांबळे की जो आत्मकथा है, उन्होंने भी अपनी आत्मकथा में यही लिखा है कि जबकि वो टीचर है, बड़ी जद्दोजहद करके वो जद्दोजहद करके और पिता और माता पिता ने उसको और लोगों से विरोध के बावजूद उसको पढ़ाया है और वो शिक्षित होकर टीचर बनती है, तो उसकी शादी एक टीचर के साथ ही हो जाती है। तो दोनों का अच्छी तरह से निभ रहा है, दोनों टीचर है प्राइमरी स्कूल में, और अचानक एक दिन उनके आत्मकथन का नाम है मेरे जीवन की चित्रकथा, शांताबाई का। तो एक दिन अचानक उसके पति दूसरी शादी करके दूसरी दूसरी पत्नी को ले आते हैं और इसका इनको कोई मालूम इसको मालूमात भी नहीं है, शांताबाई को इसकी मालूमात भी नहीं है। उस समय मतलब आज से 50 साल पहले की अगर बात भी ले ले, तब दूसरा विवाह पुरुषों को दूसरा विवाह करने की क्यों तब तक हिंदू कोड बिल नहीं आया था, तो इसलिए वो दूसरा विवाह कर सकते थे। तो उसके बाद उन्हें इतना इतनी ठेस पहुंची कि उनको लगा कि मेरे सम्मान का ये सम्मान को ये ठेस लगी है उनकी उनकी लगी और उन्होंने पति का घर छोड़कर पिता के घर वो चली गई। लेकिन पति ने उनको इतना सताया और क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो घर छोड़ के चले जाए, तो उसे वापस लाने के लिए बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपने मेरा अपमान किया है, मेरी सहमति के बिना आपने दूसरी पत्नी लाकर शादी कर ली है, मैं अपने पिता के घर में सुख से रहूंगी। तो लेकिन इसकी परिणति मुझे बहुत जो अंत है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। बीच में उसकी दूसरी पत्नी उसके पति की दूसरी पत्नी का देहांत हो जाता है, मर जाती है, और वो फिर वापस शांताबाई के पास आते हैं। शांताबाई को लगता है कि इनकी पत्नी तो दूसरी पत्नी मर गई है और वो चुपचाप वहां उसके साथ चली जाती है। तो ये कैसी मजबूरी है स्त्री की, ये कैसी मजबूरी है कि एक
एक जगह पर वो ऐसा स्टैंड लेती है कि मेरी अस्मिता को बनाए रखने के लिए, मेरे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, मेरे सम्मान को बनाए रखने के लिए वो एक कदम लेती है और फिर पीछे हट जाती है। तो मुझे लगता है कि पितृसत्ता का जो प्रभाव है हमारे समाज पर या हमारी महिलाओं पर, हमारे पूरे पूरे समुदाय पर, वो इतना ज्यादा है कि महिलाएं बहुत देर तक अकेले जीवन जीने के लिए या तैयार नहीं होती है, या पति की उस बात को वो भूल जाना चाहती है, भूल जाती है। तो एक सवाल हमेशा मेरे मन में रहता है कि स्त्री को जो दोयम दर्जे का जो स्थान हमारे समाज में मिला है, जो ये ब्राह्मणवाद की जो देन है, जो मनुस्मृति की देन है, मनुस्मृति के भीतर जो स्त्री के लिए जो जिस तरह की बातें लिखी गई है, उसे व्यवहार में जस की तस, जैसी की वैसी अभी तक समाज के ऊपर समाज उसे अपनाता गया है और अभी तक उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। जो पुरोहितवादी जो विचार है उसे भी अपनाते हुए स्त्री के प्रति एक बहुत ही गलत रवैया, या कहेंगे कि बहुत गलत नजरिया आज भी बदला नहीं है। तो ये इन सारे आत्मकथनों में हमें दिखाई देता है कि जो स्त्री की जो समस्याएं हैं, जो दोहरे और तिहरे, दोहरा अभिशाप उन्होंने लिखा है, लेकिन हमने तब उन्हें कहा था कि दोहरा नहीं तिहरा अभिशाप लिखिए आप, तो उन्होंने इस बात को नहीं, उनको लगा कि शायद वो दे, क्योंकि एक इतना हमारा बहनापा था कि मैंने उनको ये कहा था कि आप तेरा अभिशाप इसे लिखिए, क्योंकि स्त्री को, दलित स्त्री को तीन तरह के दबाव से गुजरना पड़ता है, शोषण से गुजरना पड़ता है। तो खैर, उसके बाद हम एक और मैं चाहूंगी कि कौसल्या बैसंती के बाद दूसरी जो आत्मकथा हिंदी में आई है वो सुशीला टागोर की है, जो आप सभी ने पढ़ी होगी। बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी होगी तो जरूर पढ़ना चाहिए उसे। और सुशीला टागोर की उस आत्मकथा का नाम है शिकंजे का दर्द। ये भी स्त्री के प्रति अनादर और उसके असम्मान की ही बात वो लिख रही है। प्रोफेसर, हिंदी की प्रोफेसर है सुशीला टागोर, और नागपुर में ही रहती है, और बहुत अच्छी कवियत्री और कहानीकार है, और उनकी कविताएं और कहानियां पाठ्यक्रमों में लगी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमों में लगी है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में, उसके पाठ्यक्रम में भी मैंने उनकी कविता और कहानी को शामिल किया है। तब तक उनकी आत्मकथा नहीं आई थी, आत्मकथा बाद में आई है। तो वहां पर भी यही है कि एक स्त्री को, मतलब एक कमाऊ स्त्री को, जो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट है, उसको अपने, जो सुशीला जी लिखती है कि उसको महीने का जो अपना किराया भाड़ा है वो पति से मांगना पड़ता है। मतलब उसकी जो तनख्वाह है, जो भी सैलरी है, वो सैलरी आते ही पति उनसे ले लेते थे, और फिर उनके खर्चों खर्चा क्या खर्चा है उनका, उन्हें कॉलेज में जाने के लिए अगर ऑटो रिक्शा से जाना है या बस से जाना है तो कितना किराया होगा, तो गिन कर पैसे उनके हाथ में रखते। एक तरह का उसकी एक अविश्वास कहिए या एक पितृसत्ता का बहुत बड़ा दबाव उनके ऊपर रहा है, और वो भी बड़े समय तक इसे सहती रही है और आज भी साथ में ही है। लेकिन उन्होंने लिखने का धीरज किया है, लिखने का मन बनाया और लिख दिया कि एक एक स्वयं पूर्ण स्त्री जो कि सक्षम है, लेखिका है और बहुत वरिष्ठ लेखिका है, बहुत नाम है उनका, उनकी रचनाओं को पढ़कर आप दंग रह जाएंगे। उनकी जो कविताएं हैं कि मुझे आकाश का कोना नहीं, मुझे खुला
पूरा आसमान चाहिए, एक कविता का बहुत सुंदर कविता है, उस कविता को हमने पाठ्यक्रम में लिया। तो एक दर्द दर्द होता है बहुत मन में, बहुत बहुत ज्यादा बहुत एक दर्द उठता है कि स्त्री की ये दशा क्यों है। मतलब अनपढ़ महिलाओं की जो बात वहां हो रही है, बेबीता कामले लिख रही है, उसमें और इसमें क्या फर्क है। वहां वो पूरा पूरा का पूरा परिवार अनपढ़ है, बेबीता कामले जिनके बारे में जिक्र कर रही है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक सुशिक्षित परिवार है, शिक्षित पति है, लेकिन उनका भी व्यवहार उसी तरह का है, क्योंकि यहाँ पर स्त्री की मर्यादा, स्त्री की समता की जो, स्त्री के प्रति जो समता और स्वतंत्रता का जो भाव है वो दिखाई नहीं देता है। और इसलिए उन्होंने ये अपनी आत्मकथा में बहुत सारे ऐसे प्रसंग लिखे हैं कि जो हमें आश्चर्य में डाल देते हैं कि कैसी ये व्यवस्था है कि एक तरफ आप छुआछूत से खुद भी प्रताड़ित है, खुद भी शोषित है, खुद भी नकारे गए हैं, तिरस्कृत है, लेकिन आपके आपका जो बर्ताव है या आपके पत्नी के प्रति जो आपके भाव है वो वैसे ही है जैसे कि आपको बाहर के लोग देख रहे हैं। ये एक वक्त ही दिल को चोट पहुंचाती है, बहुत दिल को। तो स्त्री लेखन में ये सब कुछ आपको दिखाई देता है। तो ये जो स्त्रीवादी स्वर है, ये जो जितनी भी लेखिकाओं ने आत्मकथन लिखा है, तो ये जो स्त्रीवादी स्वर है इसका तेवर कुछ अलग है। वो अपने कुछ सवाल साथ ही साथ ले लें, एक हाथ का और जिक्र करके फिर लेते हैं। प्रियंका सोनकर आपसे पूछ रही है, मैम मुझे दलित स्त्री साहित्यकारों का कबीर के प्रति क्या दृष्टिकोण है? दलित स्त्री साहित्यकारों का कबीर के प्रति क्या दृष्टिकोण है? और रजनी अनुरागी का भी ले लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि दोनों का लगभग मुझे लगता बराबर है। सामाजिक संरचना और पितृसत्ता स्त्री की प्राधान्यता के लिए जिम्मेदार कौन है? सामाजिक संरचना और पितृसत्ता स्त्री की प्राधीनता के लिए जिम्मेदार कौन है? प्राधीनता के लिए। और एक छोटा सा मैम एक प्रश्न मेरी भी है, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि साहित्य में हम स्त्रीवादिता दिखाते हैं, लेकिन हमारी अपनी ही स्त्रियां जो लिखती भी हैं, एक्टिविस्ट भी दिखाई देती हैं बहुत बार, लेकिन परिवारों में वो बराबर की हिस्सेदारी कभी नहीं चाहती। मतलब वो पति को आराम से चाय नाश्ता खाना सब कुछ देती हैं, बच्चों को सब कुछ करती हैं। मतलब इवन वो महिलाएं जो नौकरी पेशा हैं और खासकर विश्वविद्यालयों में जो डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए कमा रही हैं, उन महिलाओं की ये हालत है जो अपने आप को दलित स्त्रीवादी लेखिका बोलती हैं, लेकिन घरों में वो सारा काम खुद करती हैं। मतलब कि अपने पति को सो काल, जिस ज्यादातर टाइटल पे भी मेरी क्यूरियोसिटी है कि ज्यादातर दलित महिलाओं का भी सारे के सारे अपने पतियों का टाइटल लगाती हैं, लेकिन खैर ये एक शुरू से ट्रेडिशन बना आ रहा है तो दलित स्त्रियां भी इससे कैसे पीछे रहेंगी। लेकिन जब फुले अम्बेडकरी बेचारे की जो हमारे साथ है, वो महिलाएं जो घर में सारा दिन काम करती हैं और आज क्योंकि कोरोना का संकट है, वो नौकरी पेशा होने के नाते हेल्पर रखी हुई थी, अब तो वो भी नहीं आ रही हैं, तो ऐसे में उनकी सोशल मीडिया के माध्यम से भी जिज्ञासाएं निकलती हैं कि हम लोगों को लगता ही पूरा बना दिया। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये स्त्रीवादिता की डेफिनेशन कैसी है, क्या वो सिर्फ साहित्य में होनी चाहिए, या आप बराबर का काम बंटवारा घर में आप नहीं शुरू कर सकती, या हमारी विचार की सिर्फ हमने बाई चांस किसी ने बिंदी लगा ली या किसी ने श्रृंगार के आधार पे अपने आप को श्रृंगार कर लिया और लेकिन घर में वो बराबर का काम करती है, अपने पति को बराबर का काम देती है, बिल्कुल दबती नहीं है किसी चीज से, लेकिन वो क्योंकि श्रृंगारिक सामान्य बने हुए वो कभी कभी लगा भी लेती है, तो उसपे हमारी वो महिलाएं बहुत ज्ञान भगारती हैं, लेकिन घरों में वो खुद भी इन सवालों पर कभी सवाल जवाब नहीं करती, और खासकर कोरोना के संकट में तो पिसती रहती है। कोरोना के संकट में तो सभी महिलाएं पति भी घर में ही रहते हैं, चलिए तब तो मान लिया कि चलो पति नौकरी पे गया हुआ है इसलिए घर में कोई भी एक पार्टनर अगर है वो काम कर ही सकता है, घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं,
लेकिन अब तो पति भी घर में ही है, वो भी बाहर नहीं जा रहा ड्यूटी पे, लेकिन इसके बावजूद भी आप सारा काम खुद ही कर रही हैं, और फिर आपको दूसरी तरीके से आप अपने आप को ये प्रतिस्थापित भी करने में लगी हुई है कि आप स्त्रीवादी हैं, दलित स्त्रीवादी हैं खासकर, मतलब महिलाएं खुद भी ओढ़ती हैं मुझे लगता है। जी मैं अगर इसका जवाब जो तुमने जो सवाल जो तीन सवाल किए हैं जिसमें रजनी अनुरागी का भी सवाल है, ब्राह्मणवाद ने स्त्री के ऊपर बहुत अन्याय किया है। एक तो पितृसत्ता का जो की रचना है, जो संरचना है, ये ब्राह्मणवाद की देन है। ब्राह्मणवाद ने स्त्री के अधिकारों को छीना है, उसके उसके शारीरिक रचना को लेकर, उसका जैविक जैविक कहा जाता है ना, बायोलॉजिकल उसका जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर ही उसके प्रति घृणा का भाव जागृत किया है। और तो और उसकी शिक्षा से उसे वंचित रखा, उसके धन से वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा, और अगर वो कहीं थोड़ी सी भी इससे हटकर अगर वो कुछ कर ले या ज्ञान प्राप्त कर ले, तो जो जो सजाए मनुश्रुति में, तुमने तो पढ़ी होगा, तुम तो उसके मास्टर हो क्योंकि वो संस्कृत में ही है, तो उसमें ऐसी सजाए हैं कि जो जिसमें हाथ पैर काटने या तमाम तरह की इतनी घृणित सजाए हैं, वो आज भी हमें देखने को मिलती है। आज भी पुरुष समाज अपनी स्त्रियों के प्रति इतना ही निर्दयी दिखाई देता है, अपनी स्त्रियों के प्रति। दहेज नहीं लाने पर दहेज नहीं पूरा नहीं ला, दहेज दहेज हत्याएं होती है, जलाकर मारा जाता है, पूरा परिवार उसमें शामिल होता है, और कितनी महिलाओं पर अत्याचार, मतलब घरेलू अत्याचार होता है, महिलाएं बोलती नहीं, जबकि अब कानून उनकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन नहीं। और पुरुषवादी जो विचार है, जो व्यवस्था है, जो पुरुष, क्योंकि पुरुष को बहुत उसमें सुविधाएं हैं, पुरुष उसमें ऐश कर रहा है, वो क्यों अपना अपना जो अधिकार जो उसे मिला है, पुरुष सत्ता ने जो दिया है, जो ब्राह्मणवादी पुरुष सत्ता की देन है, वो नहीं समझता है कि ये ब्राह्मणवाद का किया कराया ये पूरा एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र में वो सब फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने के लिए उन्हें समता, बाबा साहब ने जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि समता, स्वतंत्रता, न्याय, करुणा, ये सब, जब तक ये संवेदनाएं उसके प्रति जागरूक नहीं होगी, उसे सम्मान नहीं दिया जाएगा, उसे बराबर का व्यक्ति नहीं माना जाएगा कि मैं भी व्यक्ति हूँ वो भी व्यक्ति है। केवल हमारी शारीरिक संरचनाएं अलग है, जैविक संरचनाएं अलग है। क्यों क्यों कर आज भी दलित लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ, हरियाणा की ही बात ले, कितनी लड़कियों पर बलात्कार होकर उनकी हत्याएं हुई है, सामूहिक बलात्कार। हमने मैंने कितनी केसेस में दखल दी है और कितनी केसेस में न्याय भी मिला है, हम लोगों को कोर्ट में न्याय भी मिला है, क्योंकि वहां तक केस हम लड़े हैं। तो जहां आज भी दलित लड़कियों की तरफ देखने का रवैया बदला नहीं है, स्कूल से घर से बच्ची स्कूल जा रही है फिर लौट कर नहीं आ रही है, तो बच्चियों को स्कूल से ही निकाल कर घर में बिठाया गया। एक स्कूल एक 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 न्यूज आई थी दिल्ली के ही किसी एक पेपर में, न्यूज हिंदी पेपर में, कि 150 लड़कियां कहाँ गई। एक स्कूल से, एक गांव की स्कूल से, हरियाणा की एक गांव की जो कन्याशाला थी, कन्या पाठशाला थी, जिसमें से उनके जो ये होता है, जो पटल होता है जहाँ बच्चों के नाम लिखे होते हैं, जी उस हाँ उसमें से एक उसमें से रजिस्टर से 150 लड़कियों के नाम गायब है जो स्कूल में नहीं आ रही है। मतलब ये टाइटल था कि स्कूल से 150 लड़कियां गायब है। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि ये क्या बात है, कहीं लड़कियों के साथ बहुत कुछ घटनाएं तो नहीं हुई। तो
तो हम उस स्कूल में गए और स्कूल के प्रिंसिपल से जब स्कूल के हेडमास्टर से जब पूछा कि ये कहाँ मतलब ये कैसे न्यूज आई है आपके स्कूल की, तो उन्होंने कहा कि देखिए जब से इस एरिया में या हरियाणा में बलात्कार का बहुत ही ज्यादा संख्या में बलात्कार बढ़े हैं लड़कियों पर, तो माँ बाप ने लड़कियों की सुरक्षा के लिए लड़कियों का नाम दाखिला ले लिया, वापिस ले लिया और लड़कियां अब स्कूल में नहीं आती। तो जो जो भी पत्रकार होगा उसने जो सही बात लिखने की जगह ये लिख दिया कि स्कूल से 150 लड़कियां गायब। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की ये जो सवर्ण समुदाय का जो सवर्ण वर्ग का जो दृष्टिकोण है हमारे दलित लड़कियों की तरफ, महिलाओं की तरफ, कि ये तो हमारी कभी भी हमारे हवस का शिकार हो सकती है और ये वस्तु के रूप में हम कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लड़कियों की शिक्षा पर इसका प्रभाव हुआ है। लड़कियां स्कूल से बाहर हो गई है, कॉलेज से बाहर हो गई है, अपने काम की जगह नहीं जा सकती थी, अब थोड़ा कम हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा आवाजें उठी है जनवादी महिला संगठन की तरफ से, दलित महिला संगठन की तरफ से बहुत बार इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, बहुत बड़ी प्रदर्शन हुए हैं, उसके बाद थोड़ा फर्क महसूस हो रहा है और पुलिस भी सक्रिय हो गई है। तो ये जो सवाल है कि वही प्रभाव हमारे हमारे घरों में भी हमें दिखाई देता है, चाहे हम कितने ही पढ़ लिख जाए, तो लेकिन ये जो काम है, जो घर का जो काम है, जिसे क्या कहते हैं, जो कि बहुत श्रम वाला काम है, श्रम वाला जो काम है वो स्त्री के हिस्से आया है, सबसे अधिक श्रम वाला काम, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना और खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना, अगर बड़े बुजुर्ग घर में है तो उनकी सेवा भी करना और पति की भी सेवा। लेकिन पति जो है वो हिलेंगे नहीं, चाहे वो कोरोना है या चाहे महाकोरोना जैसी महामारी आ जाए, लेकिन हम तो घर के क्या कहना चाहिए, हम हेड है ना, हेड ऑफ द फैमिली है। तो ये जो प्रवृत्तियां है ये सदियों से चलती आ रही है और अभी भी कायम है, तो इसके लिए बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है और हमें बहुत ज्यादा उसके प्रति सजग होकर शुरू से ही अपने बच्चों में, अपने लड़कों में, खास करके लड़कों में और लड़कियों में फर्क नहीं करें, और लड़कों को ये बचपन से सिखाए कि देखो जो भी घर में जितने भी काम है वो शेयर करने की बात होती है, ये नहीं कि आप लड़का है तो आप बाहर खेलेंगे और लड़की है तो घर के काम करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। और जब तक ये शिक्षा बच्चों को नहीं मिलेगी तब तक जो आने वाला उसके या वो जब आदमी बनेगा और उसकी पत्नी आएगी तो उसका जो है उसके साथ जो है भाव बदल जाएगा और वो शेयर करेगा। रूप नारायण सोनकर आपसे पूछ रहे हैं। नारायण जी नमस्ते। दलित साहित्यकारों ने औरतों और बहुजनों के लिए लिखा है, बहुत सारे दलितों ने औरतों और बहुजन औरतों के लिए लिखा है, जैसे मोहनदास नेमच राय, डॉक्टर अजय नावरिया, रूप नारायण सोनकर, इनके उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि दलित साहित्यकारों ने औरतों के ऊपर लिखा है। तो आगे उन्होंने छोड़ दिया अधूरा, मुझे लगता है मैं पूरा कर देती हूँ। वो जानना ये चाह रहे हैं कि जब वो पुरुष भी लिख ही रहा था तो अलग से दलित स्त्रीवाद को लिखने की क्या जरूरत पड़ी, या दलित स्त्री साहित्य लिखने की क्यों जरूरत पड़ी, ये उन्होंने छोड़ दिया। मैं समझ रही हूँ रूप नारायण जी का इशारा किस तरफ है। रूप नारायण जी जय भीम, मुझे लगता है कि जहां तक मैंने सभी रचनाएं पढ़ी है उस पर लिखा भी है, तो चाहे नेमिश राय जी की अपने अपने पिंजड़े हो या क्या नाम है जो और भी लेखकों ने, जो जितने लेखकों ने आत्मकथन लिखे हैं, उन्होंने माँ के प्रति बहुत आदर और सम्मान दर्शाया है। माँ उनका एक केंद्र बिंदु है और माँ की जो संघर्ष है, चाहे वो शौरा सिंह बेचैन है, चाहे जयप्र नाम भूल रही चौहान चौहान जी है, सूरजपाल चौहान, तो इन्होंने इनके दया पवार या आप मराठी के भी ले ले, कितने भी सारे
जितने भी लेखकों ने, माँ के प्रति उनका बहुत सम्मान है। और वो एक बहुत जरूरी बात है कि माँ के संघर्ष के को उन्होंने देखा है, माँ के संघर्ष को देखा है और माँ के संघर्ष के कारण ही वो पढ़ लिख पाए और माँ के सपोर्ट से ही उनमें कुछ चेतना भी जगी है। लेकिन जैसे ही पत्नी आ जाती है उनके जीवन में रवैया बदल जाता है, चाहे वो दया पवार हो, चाहे वो नेमिश राय जी हो, चाहे सूरजपाल चौहान हो, चाहे नौरिया हो। ये जो एक यहाँ आकर स्त्री के प्रति जो पत्नी है उसके प्रति एक दुर्भावना यहाँ नजर आती है, या उसका सम्मान नहीं, या उसके प्रति कोई प्रेम भाव दिखाई नहीं देता है। अगर प्रेम भाव है भी तो वो, ओ गॉड, ये क्या हो गया जी मैम, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, जी आवाज आ रही है। तो प्रेम भाव अपनी जगह है, लेकिन उसके उसको उसको सम्मान देने का जो जब जहाँ जहाँ बात आती है तो वो वहां से नदारद हो जाता है। सम्मानजनक शब्दों का हमें कहीं पर भी जिक्र नहीं, बल्कि उसके प्रति कुछ एक 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 तिरस्कृत भावना ही दिखाई देगी। और मुझे तो लगता है सूरजपाल चौहान का जो दूसरा उनकी दूसरी आत्मकथा, दूसरा जो है तिरस्कृत ही है, शायद तिरस्कृत के बाद दूसरा आया है, उसमें तो उन्होंने ये जानबूझकर अपनी पत्नी को के ऊपर ऐसा शक की सुई रखी है कि पूरी पूरी पूरा जो आत्मकथन है बस उसी के ऊपर लिखा हुआ, कि वो एक बच्चलन व्यक्ति की तरह उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। डॉक्टर क्या नाम है, धर्मवीर की जो आत्मकथा है, भेड़िया और क्या है, भेड़िया और कुछ नाम बोल रही हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, तो वो तो एक बना बनाया जैसे एक पुलंदा है कि स्त्री को बदनाम करना, स्त्री को व्यभिचारी नहीं बताना। और उसने तो लिखा है कि दलित स्त्रियां व्यभिचारी नहीं है, जो जाति से बाहर विवाह करती वो वेश्याएं हैं, जो 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 जार कर्म में लिप्त रहती है, जो कि पता नहीं क्या क्या बकवास लिखा है उसने। उसके खिलाफ तो हमने एक जंग लड़ी थी रमणिका जी के साथ मिलकर, रमणिका जी, रजनी को बहुत याद आ रही है, रमणिका जी की बहुत याद आ रही है आज, और अनिता, अनिता के साथ हमने एक एक किताब निकालनी पड़ी हमें, क्योंकि इसका प्रभाव नई जनरेशन पर होने लगा था। जनरेशन पर, दूसरी नई जनरेशन पर अगर ये प्रभाव होगा तो इसका ये मतलब है कि अपने समता का जो मूल्य है, समता के मूल्य को अपने अंदर कभी कभी अपनाया ही नहीं, अपने व्यवहार में तो लाना दूर, अपने आपने उसे अपनाया ही नहीं। तो ये जानबूझकर लिखी गई कुछ रचनाएं हैं, तो सोनकर जी जानते हैं कि उन रचनाओं को पढ़कर ही उन्होंने ये सवाल किया है। तो मुझे लगता है स्त्री के प्रति इतनी दुर्भावना और इतना तिरस्कार पैदा करना ये मनुवाद का ही नया स्वरूप है। मनुवाद का नया संस्करण नाम से मैंने एक लेख भी लिखा था जो हंस में छपा था, कथादेश में छपा था, इसी बात को लेकर छपा कि स्त्री के प्रति एक दुर्भावना तैयार बनाना, और ये सीधे मनुवाद से लिया हुआ एक मनुवाद का नया संस्करण आप दे रहे हो, और फिर उसे आप दलित चिंतक और दलित लेखक और दलित पता नहीं दार्शनिक के रूप में अपने आप को प्रस्थापित करना भी चाह रहे हैं, और लोगों ने उसे अपनाना शुरू कर दिया। ये एक बहुत भयंकर एक भयंकर बात थी, जो कि मैं हमने क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे स्टूडेंट से, शोधार्थियों से बातचीत होती है, तो हर कोई उसका रेफरेंस दे रहा है। जो भी थीसिस मैं खोल रही हूँ, जो भी थीसिस आते थे जांचने के लिए एमफिल पीएचडी के, तो तमाम जो दलित साहित्य के ऊपर या दलित आत्मकथनों ऊपर या दलित तमाम, तो रेफरेंसेस में सिर्फ बहुत ज्यादा इन लोगों के नाम होते थे जो कि स्त्री के प्रति इस तरह का तिरस्कार फैला रहे हैं। मैम एक आकांक्षा कुरील है, वो कहते हैं कि दलित कोरोना लॉकडाउन में भी दलित महिलाओं के साथ अत्याचार, रेप
और शोषण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसा क्यों है? और मैम आशीष दीपांकर कोई है, वो लिखते हैं कि आपका कोई आर्टिकल रहा होगा स्त्री का तालिबानीकरण शीर्षक से, और उसकी चाहिए, उनकी कॉपी चाहिए अगर। अच्छा, हाँ वो नैतिकता का तालिबानी, स्त्री नैतिकता का तालिबानीकरण, एक कवि, एक रमणिका जी का जो युद्धरत आम आदमी का एक विशेषांक निकला था, जो जिस पर हमने काम किया था मैंने और अनीता ने, रमणिका जी ने मिलकर, तो ये इसी इसी प्रवृत्ति के खिलाफ था। ये जो पनप रही थी हमारे बीच में, हमारे दलित समुदाय में, और खास करके लेखकों के बीच में, नए नए नई जनरेशन को एक इस प्रवृत्ति से, प्रवृत्ति की तरफ आप खींच रहे थे, तो ये किताब हमने लिखी, ये विशेषांक निकाला, फिर उस किताब के रूप में वो छपी है। तो दीपांकर वो दिल्ली की किसी भी गौतम बुक स्टोर में या सम्यक सम्यक प्रकाशन में भी आप देख सकते हैं, और ये अनामिका का प्रकाशन है, नहीं अनामिका की नहीं, और किसी और का प्रकाशन जी। तो ये किताब जरूर जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसे एक 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 नया नया एक नई दृष्टि आपको मिलेगी, कि जिससे कि स्त्री के प्रति एक सम्मान की भावना होनी चाहिए, समता का भाव होना चाहिए, मैत्री का भाव होना चाहिए, उसे नकारा नहीं जाना चाहिए। वो चारों तरफ से नकारी जाती है, दलित स्त्री तो चारों तरफ से नकारी जाती है ना, तभी तो हम तेरे शोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। कब से 35 साल तो मुझे हो ही गए इस फील्ड में लेखन के द्वारा। आशा जी हैं, पीजीडीए कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और लिखती हैं कि आपने जो कामकाजी स्त्रियों के घरों में बंटवारे की बात की है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है कि आप एकल परिवार में हैं या संयुक्त परिवार में, सबकी भागीदारी के बावजूद एक ज्यादा दायित्व स्त्री का ही बना रहता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, वो चाहे किसी भी वर्ग की क्यों ना हो। देखिए ये ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ मिलजुल कर पूरे घर के काम का बंटवारा होता है, घर के काम बांटे जाते हैं, एक दूसरे की ध्यान रखा जाता है। ये कहना कि नहीं ये केवल स्त्री का ही दायित्व है और उसे ही निभाना चाहिए, चाहे वो एकल परिवार हो चाहे वो संयुक्त परिवार हो। संयुक्त परिवार में तो यहाँ तक हमने देखा है कि सुबह वो उठने के बाद जब चाय बनाने के लिए जब किचन में घुसती है, तो शायद 4 बजे तक उसका पैर किचन से बाहर नहीं आ सकता है, इतना काम उसके ऊपर लाद दिया जाता है। अगर वो कामकाजी महिला है तब भी 5 बजे उठकर वो अपना भी खाना बनाएगी, अपने पति का भी खाना बनाएगी, बच्चों के नाश्ता और बच्चों के टिफिन भी बनाएगी, और उसके बाद वो एक कप चाय पीकर ऑफिस के लिए निकल पड़ेगी। मैम इसी से मिलता जुलता सवाल है, सोनाली मास्के लिखती है कि मैम विदेशों में घरेलू काम या लिंग आधारित श्रम विभागीकरण पर बहुत लड़ाई और चर्चा हुई है, यह लड़ाई हमारे यहाँ क्यों नहीं हुई, इस पर चर्चा भी क्यों नहीं हुई? ये सोनाली मास्के लिखती है। मैम बहुत लंबा हो चुका है, मैं समझ सकती हूँ। नहीं मैम, ठीक है। देखिए लिंग 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 आधारित जो जो भेदभाव की नीति है, उसकी जड़ें इतनी गहरी है कि उसे खोदते खोदते हमारी जिंदगी निकल जाएगी, और आप लोगों की भी जिंदगी निकल जाएगी, और हो सकता है आपके बच्चों बच्चियों की भी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन ये आप उसके जड़ जड़ को नहीं हटा नहीं सकते, जड़ तक नहीं पहुंच सकते। इतनी ज्यादा पितृसत्ता का प्रभाव हमारे समाज पर है, और जो ये ऐसा मानना चाहिए कि जब मैंने एक अपने लेख में लिखा भी है कि जब मातृसत्ता समाज था तो स्त्री और पुरुष दोनों बराबर के हिस्सेदार रहते थे हर बात, और स्त्री को निर्णय लेने का अधिकार वो उसका था, संपत्ति उसके हाथ उसकी अधिकारिणी वो थी, लेकिन उसने कभी पुरुष के प्रति या पुरुष का शोषण नहीं किया। अगर कहीं पर लिखा हो ये तो मुझे भी दिखाइएगा, जरूर मुझे भी बताइएगा कि हाँ स्त्री ने कभी पुरुष का शोषण किया जब मातृसत्ता
समाज भी था, समाज था, और वो अधिकारिणी हुआ करती थी और उसके मातहत सारे पुरुष काम करते थे, घर के सारे पुरुष। आज भी उत्तर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मातृसत्ता पद्धति है, लेकिन वहां की महिलाएं पुरुषों का शोषण तो नहीं करती है, उसे बराबर का ही मानती है, उसे बराबरी के नाते से रखती है और उसका सम्मान भी करती है। लेकिन ये दूसरे तरफ क्यों नहीं होता है? अब पुरुषसत्ता समाज है तो क्या स्त्री को गुलाम ही बनाए रखेंगे, या उसे इतना काम कर लेंगे, इतना काम कर लेंगे कि वो एक मतलब कहीं की नहीं रहेगी, उसके अपने अस्तित्व के प्रति, उसकी इच्छाओं के प्रति, उसके उसकी उसकी जो भी मन में कुछ इच्छाएं हैं वो पूरा करने के लिए उसे कभी समय ही नहीं मिलेगा। यही हुआ ना। तो ये असमता की जो, ये भेदभाव का जो एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर अभिशाप है, जो कि छुआ, एक तरफ तो छुआछूत है, एक तरफ ये पितृसत्ता है, एक तरफ आर्थिक निर्भरता है, एक तरफ स्त्री का तिरस्कार है क्योंकि उसकी संरचना अलग है। अरे संरचना तो दो ही है, एक पुरुष और स्त्री की संरचना। अब इसमें एक वरिष्ठ कैसे हुआ और एक कनिष्ठ कैसे हुआ? एक एक की सत्ता, एक सत्ता सत्ताधीन बनना चाहता है, सत्ताधारी बनना चाहता है और दूसरा गुलाम, गुलाम की स्थिति में रखना चाहता है, ये क्यों कर? तो जब तक समता का मूल्य आप अपने अंदर नहीं रोपेंगे, अपने अपने अंदर उसको इंटरनलाइज नहीं करेंगे अपने, तब और फिर उसके बाद वो अपने व्यवहार में नहीं झलकेगा, तो स्त्री की दशा इसी तरह से रहेगी। और उसके लिए हमें बहुत लिखने की जरूरत है, बहुत बात करने की जरूरत है, बहुत चर्चा करने की जरूरत है और आंदोलन करने की भी जरूरत है। जी मैम, अंतिम सवाल ले लेते हैं। आप में से अगर कोई भी सवाल पूछना चाहता हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए, अदरवाइज हम बाइंड अप करेंगे क्योंकि काफी लंबा टाइम हो चुका है, लगभग 2.5 घंटे हो गए हमें। 2.5 घंटे हो गए, सॉरी मैम, आपको ज्यादा लंबा हो गया असल में। नहीं कोई नहीं, अच्छा लग रहा है मुझे तो बात करना, बात करने में, प्रोफेसर हो तुम भी, प्रोफेसर हो मैं भी, प्रोफेसर हूँ, बात करने में हम लोग थकते नहीं। कोई भी अगर कोई सवाल पूछना चाहता हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं चैट कर लेके फिर मैं खत्म करूंगी। जी मैम, हमारे साथ जुड़े हुए मंजुला प्रदीप जी, लाल सिंह, प्रियंका थोराट, सुनील चौटाले, रजनीश अम्बेडकर, विशाखा कामले, किरण और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, रजनीश हैं और कुछों के नाम स्क्रीन पे मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आप में से अगर मैम को कोई सवाल पूछना चाहता हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करेंगे। और अब की बार हमने आत्मकथाओं पर लिया, मैम से मैं दोबारा फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट एक चर्चा हमारे साथ कहानियों पर करें, एक चर्चा उस पर करें कविताओं पर। लॉकडाउन का हम पूरा पूरा फायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि ये तो तय है कि डिजिटलाइजेशन अब बढ़ता जा रहा है, तो हमारे जो अपने जो इनको इतना सारा काम किया है उनका डिजिटलाइजेशन भी इस माध्यम से हम लोग करने की कोशिश में हैं। अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता हो तो बता दे, हम बाइंड अप। कोई आवाज आ रही? मंजुला बोल रही हो? पहले अपने आप, पहले म्यूट करिए अपने आप को। मंजुला मुझे आप दिखाई नहीं पड़ रहे जी। हाँ जी बोलिए। जय भीम। जय भीम। जय भीम। बहुत अच्छा रहा आप लोगों का सत्र। मैं एक बात पूछना चाह रही थी विमल साई, आपने बहुत सारी बुनियादी बातें करी, खासकर के पितृसत्ता और उसकी जो पूरी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बहुत कम आवाज है, थोड़ी सी वॉल्यूम आप सुनाई दे रही। हेलो। हाँ तो सुन रही हूँ। पूरी बात की तो उसमें मैं एक समुदाय है जो हमारे समुदाय में है, अनुसूचित जाति या दलित समुदाय की बात करते हैं कि उसमें बार बार यही कहा जा रहा है सालों से कि 95% महिला ढोने की जो प्रथा है उसमें हमारी महिलाएं हैं उसमें जुड़ी, तो वो भी एक पितृसत्ता का ही एक एक क्या कहते हैं एक प्रकार है कि जिसमें दो चीजें हैं, एक महिला ढोने की प्रथा और दूसरा देवदासी प्रथा।
तो इन दोनों प्रथाओं को हम जो समुदाय की महिलाएं हैं, जो एक्टिविस्ट हैं और जो आपकी तरह लेखिकाएं हैं, अलग अलग साहित्य में से जुड़ी हैं या आंदोलन से जुड़ी हैं, वो लोग इस ये पूरी प्रथा है उसको समाप्त क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं। हम क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं कि देवदासी प्रथा समाप्त हो जाए या मैला ढोने की प्रथा में हमारी महिलाओं को उनके घर वाले ना ढकेले और उन्हें मतलब सम्मान से जीने का अधिकार है वो छीन रहा है उनका। थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल किया मंजुला कि ये बिल्कुल सही है कि महिला ढोने की प्रथा में 95% महिलाएं ही हैं, क्योंकि महिलाएं और बच्चियां 12 साल की बच्चियां माँ के साथ काम करने के लिए भेजी जाती हैं स्कूल छोड़कर, स्कूल से उसे निकाल दिया जाए। और ये आपने और हमने जो भी जितने भी सर्वे किए होंगे उसमें ये बिल्कुल बराबर सामने दिखाई देता है। यहाँ पितृसत्ता सबसे ज्यादा हावी हो रही है। एक सूरजपाल चौहान की कहानी है बदबू, अगर उसे पढ़ ले, बहुत अच्छी कहानी लिखी है उन्होंने और मैं उसके लिए उसकी उसका कहानी के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दे चुकी हूँ कि स्त्री नहीं चाहती है कि इस तरह का बदबूदार काम करे कि किसी का मैला ढोए, या तो वो लड़की जो है जो कि किसी अच्छे घर से आई है पढ़ी लिखी है वो मैला ढोने की प्रथा से जुड़ना नहीं चाहती है, उसे जाना नहीं चाहती, लेकिन घर के जो उस घर का जो उसका ससुर है उसका पति है उसे इस काम के लिए मजबूर करते हैं और उसे उस काम को करना पड़ता है। और जब वो काम से आती है काम करके तो उसे लगता है कि उसका पूरा शरीर उस बदबूदार हो चुका है, वो सारा शरीर पर जो भी उसके गिरता है जो मलमूत्र, तो वो खाना नहीं खाती है कई कई दिन तक और पूरी रात रात सोती नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छी कहानी सूरजपाल चौहान ने कभी लिखी है और तो ये सच्चाई है। तो यहाँ पर पितृसत्ता हावी है और जो काम पुरुषों को करना पुरुषों को के हिस्से आता है वो अपनी महिलाओं और बच्चियों से करवाते, इसलिए ये प्रथा अभी भी खत्म नहीं हो रही है। इसके लिए बहुत काम करने की और बहुत चेतना जगाने की जरूरत है। बहुत लोगों ने काम छोड़ा है, महिलाओं ने काम छोड़ा है। महिलाओं के साथ हमने बहुत बड़ा अभियान भी चलाया था सफाई कर्मचारी आंदोलन की तरफ से, और महिलाओं ने काम छोड़ा है और अच्छा काम करने की सम्मानजनक काम करने की उनकी इच्छा है। दूसरी बात जो है देवदासी प्रथा का ये है मंजुला जी कि इसमें अंधविश्वास बहुत ज्यादा हावी है जो दल, और ये प्रथा केवल दलित लड़कियों को वेश्या बनाने के लिए वेश्यालयों में भेजने के लिए ये प्रथा ईजाद की गई है और ब्राह्मण व्यवस्था ने इसका पूरा अपने हाथ में इसका कंट्रोल है। अभी भी जो जहां जहां देवदासी प्रथा है आंध्र महाराष्ट्र गुजरात में नहीं है, शायद आंध्र महाराष्ट्र कर्नाटका और ओरिसा में, तो वहां पर जैसे ही बच्ची प्यूबर्टी से पहले प्यूबर्टी आते ही उसकी माँ जो देवदासी है खुद भी देवदासी है वो अपनी बच्ची को देवी को समर्पित करती है, देवी को मतलब वही जो यल्लम्मा या रेणुका, और उस दिन से जैसे ही वो, और ये जो विधि होता है ये जो समारोह होता है छोटा सा उसमें वहां का जो मंदिर का जो पुजारी है वो सबसे अधिक उसका रोल है उसमें, और वो उस जो भी रेणुका है रेणुका देवी या यल्लम्मा देवी से उसकी शादी करवा देता है और उस दिन से वो बच्ची सारे गांव के लिए अवेलेबल हो जाती है एक वेश्या के रूप में। और ये अंधविश्वास के तहत चलती आ रही परंपरा है कि अगर बच्ची के बालों में अगर लट पड़ जाए और तो उसको देवी को अर्पित करना ही है, अगर नहीं करेंगे तो गांव के ऊपर कोप होगा, देवी का कोप होगा और उसमें सारा गांव बर्बाद होगा। तो ये केवल दलित लड़कियों के लिए दलित महिलाओं के लिए, लड़कियां ही करती बताई जाती है, तो दलित लड़कियों को वेश्या बनाने के लिए और उसका भोग करने के लिए ये परंपरा कायम रखी गई है और आज भी कायम। इसके लिए बहुत लोगों ने काम किया है, बहुत लोगों ने बहुत ही अच्छे लोगों ने बहुत ही अच्छे एक्टिविस्ट ने काम किया है, बहुत 100 से ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर, लेकिन जो अंधविश्वास है जो अंधविश्वास इतना पक्का बैठा हुआ है लोगों के मन में वो हटाने का
कोई जरिया हमारे पास अभी तक नहीं मिल पा रहा। एक ही है उसका रीजन कि ये सारा समुदाय अशिक्षित है, अनपढ़ है, शिक्षा से बहुत कोसों दूर है, उनकी लड़कियों को भी वो नहीं पढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और लड़कियों को इससे हमें बचाने के लिए इस प्रथा का विरोध करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी सवाल हैं, लेकिन मैं तमाम दर्शकों से और जितने हमारे साथी बैठे हुए हैं उनसे माफी चाहूंगी। प्रोफेसर वेणु थोराट से दोबारा फिर किसी दिन हम टाइम लेंगे और तब आप लोगों से रूबरू होंगे। आपके सवाल मेरे पास यूं के यूं सेफ रहेंगे, हम उस दिन की चर्चा सवालों से ही करेंगे, फिर हम कहानी पर कविता पे जाएंगे। रजनी अनुरागी दोबारा मैम आपसे पूछ रही है, जवाब मत दीजिए, ये अगली बार मिलेंगे क्योंकि आप बहुत टाइम ले चुके हैं हम लोग। रजनी अनुरागी बोल रही है मैम, दोहरा अभिशाप की कौशल्या जोब में न होने के बावजूद पति से अलग होकर संविधान प्रदत्त अधिकार ले लेती हैं, जबकि सिकंजे के दर्द में पति से लगातार अपमानित और प्रताड़ित होने के बावजूद लेखिका उसके साथ बनी रहती है। तो आय दान में लेखिका परिवार के खिलाफ जाकर बेटी की शादी उसके प्रेमी से करा देती है। ये जो दलित स्त्री आत्मकथा का अंतर्द्वंद है, इसको कैसे देखा जाए? अगर आप रिस्पोंड करना चाहें, ये अंतिम होगा, फिर हम इस चर्चा का समापन करेंगे। अगर आपको लगता है तो अभी ले लेते हैं, अदरवाइज जैसा आप। हाँ, अभी अभी ले लेते हैं, फिर अभी ले लीजिए। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। जो कौशल्या जी एक पढ़ी लिखी और बहुत क्रांतिकारी महिला है, लेकिन उन्हें भी बहुत समय लगा। ये आप समझ सकते हैं कि उन्हें 33 साल लगे इस कदम को उठाने के लिए कि पति से डिवोर्स लेकर अपने एक सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार को वो पाने के लिए जो कि संविधान प्रदत्त है। सुशीला टागोरे शायद ये साहस नहीं कर पा रही है, इतनी प्रताड़ना और अपमान और तिरस्कार के बाद भी वो ये निर्णय ले नहीं पाई है। ये व्यक्तिगत मामला है, ऐसा नहीं है कि वो इन सारी चीजों से वाकिफ नहीं है। है वो तो लेखिका है, इतनी बड़ी लेखिका और इतनी सारी किताबें लिखी है। ऐसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो एक चेतना का या साहस जो होता है, चेतना तो है लेकिन साहस होना भी बहुत जरूरी है। हर कोई में नहीं कर सकता है इसे, या तो पति और बच्चों से दूर रहकर एक नए जीवन की शुरुआत करना एक बहुत बड़ा कदम होता है। रही बात इनकी उर्मिला पवार तो बहुत क्रांतिकारी महिला है। उन्होंने अपने पति के साथ बहुत ज्यादा जद्दोजहद करके और उनके विरोध करके अपनी बेटी की शादी जो वो जहां चाहती थी वहां की, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये व्यक्तिगत है, ऐसा नहीं है कि पितृसत्ता पितृसत्ता के सामने उन्होंने समर्पण किया है, लेकिन स्थितियां अलग अलग है, सबकी देखिए स्थितियां अलग है। एक जगह निर्भर होते हुए भी उन्होंने ये कदम उठाया है, कौशल्या जी ने, कौशल्या बैसत जी ने, और सुशीला जी नहीं उठा पा रही है, सुशीला जी नहीं उठा पा रही, जबकि वो निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर है। तो ये एक एक व्यक्ति की अपनी सोच है, ठीक है ना? मुझे लगता है मैंने जवाब देने की कोशिश की है, आप कितनी मेरे से सहमत है महिलाओं का? मैम असल में मुझे लगता है आपसे मैंने एक दिन अनुरोध भी किया था कि हम एक पैनल में बैठ के भी चर्चा करते हैं। जरूर जरूर करेंगे करेंगे। नीलू गुप्ता जी लिख रही हैं, महिलाओं की स्थिति दलितों से ज्यादा दयनीय है, आपका प्रयास यदि मातृसत्ता को बढ़ावा देना है तो यह प्रयास सराहनीय है, हम आपके साथ हैं। महिलाओं को अधिकारों की जरूरत है, वे जानवरों की जिंदगी जीती हैं, जानवरों से भी बदतर तरीके से छोटी बच्चियों को बेच तक दिया जाता है। आपका आभार प्रकट कर रहे हैं सारे के सारे लोग। और ये भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आंदोलन में चेतना के स्तर पर अंतर है, सुशीला जी और कौशल्या जी के संदर्भ में जो अभी आप जिसकी चर्चा कर रहे थे।
जी बिल्कुल सही, जी, बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ, ये है। शंकर जी दोबारा आपके लिए कर रहे हैं कि चाहे दलित लेखक पुरुष हो या महिला, इनके लेखक में, लेखन में वैज्ञानिक सोच की जरूरत है। जरूर, इसके बिल्कुल, तो सभी बिल्कुल सहमत सही है, सहमत हूँ मैं भी। वैज्ञानिक का तर्क, तर्कशील, विवेकशील, विवेकता, विवेकशील और तर्कशील व्यक्ति अगर जब सवाल करते हैं और अपने लेखन में उसे पिरोते हैं तो वो रचना बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छी रचना मानी जा सकती है और उसका प्रभाव बहुत देर तक रहता है। गौरी, अमन और बहुत सारे कमेंट है, मैं 90 के आसपास के कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगी, आपकी और हमारी सीमा भी है, तो लास्ट कमेंट मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। मैंने कहा है कि दलित महिलाएं बोलती है तो उसे दबा दिया जाता है, और अब जब जागरूक हुई है तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये इसी पे हम ये हमारा प्रस्थान बिंदु रहेगा अगली चर्चा के लिए। ठीक आपका ठीक मैं बिल्कुल बहुत ठीक बहुत शुक्रिया, तमाम जितने हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैंने कईयों के नाम लिए हैं, कईयों के स्क्रीन पर मुझे दिखाई कम दे रहे हैं, और मैं सुनील चौटाले का, रजनीश अम्बेडकर, विशाखा, किरण, मंजुला और तमाम जो रजनी अनुरागी, प्रियंका सोनकर और रूप नारायण सोनकर जी ने तो एक कविता भी भेजी है, मैं वो अच्छा कविता पढ़ नहीं पा रही क्योंकि वो लगातार कमेंट्स में है, तो मेरे सामने हाँ स्क्रीन में मुझे देखने में भी दिक्कत और टाइम भी अब ज्यादा हो चुका है। अगली मैं बार पढ़ते हैं, अगली बार कविता, अगली बार कविता पर जब चर्चा होगी तब मैं बिल्कुल जरूर जब। सर के किताब लूंगी, रूप नारायण सोनकर सर के, अजय नवरिया सर, तमाम, आशा जैसल जी, मुकेश जी, सभी हमारी चर्चा को सुन रहे थे, देख रहे थे, मैं तमाम अच्छा पैनल में जो हमारे साथ जूम में बैठे हुए, खासकर आज के चर्चा में जो इतने महत्वपूर्ण संदर्भ आपने हमारे सामने दिए हैं, वो न केवल एक सामाजिक सोच के तहत हमें जानकारी होनी चाहिए बल्कि हमारा, क्योंकि लेखन अब विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में भी है और उसके लिए भी हमारे जो विद्यार्थी हैं, रिसर्च जो कर रहे हैं, उनको दोनों पहलू आपके, आपने जो रखे हैं इतने विस्तार से, कि एक धारा ऐसी भी है जो दलित महिलाओं को भी कहीं ना कहीं गलत प्रोजेक्ट करके जजमेंटल बनती जा रही है, दूसरी तरफ एक ऐसा साहित्य भी है जिसको पढ़ने की ज़्यादा, पढ़ने के साथ से समझने की भी जरूरत है, उनके अपने संघर्ष को भी देखने की जरूरत है, और विश्वविद्यालयों तक जो पहुंचा है वो आप लोगों की ही बदौलत पहुंचा है, हम लोग तो सिर्फ उसको पके हुए को खा रहे हैं और उस पर केवल चर्चा कर रहे हैं। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे मैम, और आप हमें टाइम जरूर देंगी कविता और कहानियों पे, तब तक के लिए मैं तमाम जितने भी पैनलिस्ट हमारे साथ इसमें पैनल जूम में बैठे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका मैम, आपका ये बड़प्पन हमारे साथ, और आपका स्नेह, आशीर्वाद, मंगल कामनाएं, और आपका ये जज्बा यूं ही कायम रहे, तब तक के लिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया, जय भीम, जय भारत। कौशल्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम को कौशल्य बहुत सफलतापूर्वक, हाँ कौशल कौशल्य कौशल कौशल बहुत कौशल्य बहुत तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने इस कार्यक्रम को बहुत सफलतापूर्वक अरेंज किया बहुत अच्छी तरह से, और तमाम लोगों को के सवाल भी तुमने उनको समय भी दिया, लंबा लंबी चर्चा हो गई लेकिन दलित साहित्य पर इससे भी लंबी चर्चाएं होती रही है और जरूरी है, और ये जो सवाल है स्त्रीवाद का, जो सवाल है स्त्रीवादी स्वर का, जो सवाल है इसे तो बहुत अधिक चर्चा इस पर करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री की स्थिति में बहुत बहुत बदलाव नहीं आया है। अभी अभी किसी किसी दर्शक ने पूछा है कि कोरोना के समय में, किसी लड़की ने पूछा कि कोरोना के समय में स्त्रियों पर और ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। यहाँ पर जो नागपुर की पुलिस स्टेशन पर इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही है कि पुलिस को तैनात होना पड़ रहा है, पर पुलिस को वहां जाना पड़ रहा है, इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही है महिलाओं की कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा घरेलू अन्याय हो रहा है, घरेलू अत्याचार हो रहा है, और फिर सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी, सबसे पहले जो खोला है वो शराब की दुकान है, मतलब उसकी सोच देखिए कि कितनी कितना कितना महिलाओं पर कितना उसका असर हो रहा है, उनके उनके काम पर असर हो रहा है, एक तो घर में बैठे हुए हैं, पति को खिला रही है और दो ऊपर से वो मार भी खा रही है, और कई महिलाएं आकर बताती भी है कि
मैम हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप लिखिए ना सरकार को कि दुकानें बंद करवाए, शराब की दुकानें बंद करवाए। तो ये है स्थिति है, और ये बस से बदतर होने से पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और ज्यादा लिखना पड़ेगा, और बहुत सक्षम होकर लिखना पड़ेगा, बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखना होगा। मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ तुम्हें कौशल, और इसी तरह से तुम बहुत अच्छे कार्यक्रम कर रही हो, बहुत अच्छे 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 वक्ताओं को हमसे रूबरू करा रही हो। मुझे लगता है कि तुम इसमें बहुत आगे सफलता पाओगी, और तुम्हें बहुत बहुत आशीष। थैंक यू।